और वहीं बढ़ते हैं आगे, भोपाल से आपको खबर बताएंगे जहां मोहन कैबिनेट की आज बैठक है। मुख्यमंत्री आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। रामनिवास रावत के पोर्टफोलियो पर चर्चा संभव है। 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी, तो शपथ के बाद अभी पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है और इस पर भी आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर बातचीत की जा सकती है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसमें रामनिवास रावत, जिसने नई नई मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली है, उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि कौन सा ऐसा विभाग है जो उन्हें दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल, आज की ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ज्यादा जानकारी लेंगे। राहुल राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। राहुल, आज कैबिनेट बैठक में क्या खास होगा, बताइएगा। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए कैबिनेट की आज एक फिर 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। देखिए, सबसे पहले तो दो दिन पहले जो रामनिवास को मंत्री बनाया गया, उनको विभाग का जो है वो विभाग सौंपा जा सकता है, तो ये एक बड़ा निर्णय होगा आज, हो सकता है कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा ई प्रधान की बात की जाए तो ई प्रधान पर भी आज मुहर लग सकती है। ये एक ऐसा कार्य है जिससे आने वाले समय में तमाम जो मंत्रालय के कार्य हैं, तमाम जो विधानसभा के कार्य हैं, वो ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि केरल, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहां पर ये सिस्टम लागू है और अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर बढ़ने जा रही है। ऑनलाइन जब सिस्टम लागू हो जाएगा तो तमाम जो प्रश्न है वो सारे ऑनलाइन शो होंगे और ऑनलाइन तरीके से ये काम होगा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आज 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन में, उसमें फैसला हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर मोहर लग सकती है, तो तमाम तरह से जो है विचार विमर्श के बाद अब आज देखना होगा कि 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जो कैबिनेट होने जा रही है उसमें किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। फिलहाल तो दो ही विषय महत्वपूर्ण है, एक रामनिवास जो मंत्री बनाए गए हैं उनको निश्चित रूप से उनका पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण है और किस तरह से अन्य क्षेत्रों में काम किया जाएगा और उस पर क्या फैसला निकलकर सामने आता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका।